हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ AIPRM और ChatGPT एक्सटेंशन को हम अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे चला सकते हैं। गाइस अगर हम बात करें लैपटॉप पीसी की, तो गाइस हम इजीली गूगल क्रोम के कोई भी एक्सटेंशन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात हो एंड्रॉइड की, तो कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं आपको जो एक्सटेंशन बताने वाला हूँ वो है दोस्तों AIPRM फॉर ChatGPT एक्सटेंशन। ये वाला एक्सटेंशन दोस्तों बहुत ही कमाल का है, बहुत ज्यादा यूजफुल कह सकते हो। अगर आप ChatGPT यूज करते हो तो गाइस आपको इस वाले एक्सटेंशन के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी लिखवाना है दोस्तों, आर्टिकल या दोस्तों कोई भी स्क्रिप्ट, जैसा कि यूट्यूब स्क्रिप्ट, अगर आपको शॉर्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवाना है तो गाइस आप इजीली ही शॉर्ट वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप अपनी वेबसाइट का SEO करना चाहते हैं, तो गाइस ये वाला एक्सटेंशन आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी आर्टिकल लिखवाना है SEO वाला, तो गाइस आप वो भी लिखवा सकते हैं। सब कुछ दोस्तों आपको इस वाले एक्सटेंशन में मिल जाएगा, क्योंकि गाइस इस वाले एक्सटेंशन में आपको मिलते हैं 2000 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स। अगर आपको ChatGPT को सही तरीके से यूज़ करना है, तो गाइस प्रॉम्प्ट्स का पता होना चाहिए आपको, और प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं आपको इस वाले एक्सटेंशन में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वाले एक्सटेंशन को आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में कैसे चला सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों आपको इस वाले एक्सटेंशन के बारे में, तो गाइस आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एंड्रॉइड फोन में चला सकते हैं। तो गाइस मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, और फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है दोस्तों KB ब्राउज़र। तो आपको यहाँ पर इतना लिख देना है, और दोस्तों है ब्राउज़र आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस वाले ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस ब्राउज़र की, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है। आप यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि ब्राउज़र इज़ अ फास्ट ब्राउज़र फॉर एंड्रॉयड विथ एक्सटेंशन सपोर्ट। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों इस ब्राउज़र में दोस्तों एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं, तो आप कोई भी एक्सटेंशन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकते हैं। जिनके पास दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर रहता है, तो गाइस वो तो ईजिली ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में दिक्कत होती है। तो सिंपली आपको इस वाले ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जो मैं आपको एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको सर्च करना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, जो मैं लिख रहा हूँ सिंपली आपको इतना लिख देना है AIPRM फॉर ChatGPT, आपको इतना लिख देना है और सर्च कर देना है। फिर गाइस जो क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो वेब स्टोर आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर AIPRM फॉर ChatGPT पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर वेब स्टोर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सटेंशन आ चुका है, तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जूम कर लेना है, और सिंपली आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यह एक्सटेंशन आपके एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। फाइनली गाइस यह एक्सटेंशन हमारे एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, ओपन भी हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक जीमेल आईडी से साइन अप कर लेना है, जैसे आप ChatGPT में करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है, आपको बताना होगा कि आप रोबोट नहीं इंसान है, ठीक है। तो गाइस आपका जो एक्सटेंशन है वो दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है, फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो। और अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर दोस्तों 200 से ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स देखने को मिल जाती हैं। गाइस अगर आपको ChatGPT को सही तरीके से यूज़ करना है, तो गाइस आपको प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो गाइस आपको यहाँ पर 200+ से ज़्यादा मिल जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, हर दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स ऐड होती रहती हैं। आप भी कहोगे वाओ क्या एक्सटेंशन है, आप एक बार यूज़ करोगे तो गाइस आप भी इसे यूज़ करेंगे ही, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखवाना है, या दोस्तों अगर आप अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवाना है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट लिखवाना है, या गाइस आउटरैंक आर्टिकल लिखवाना है, या दोस्तों ह्यूमन लाइक रीब्राइट आर्टिकल लिखवाना है, तो गाइस आप वो सब कर सकते हैं। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कैसे हम इस वाले एक्सटेंशन को अपने एंड्रॉइड फ़ोन में चला सकते हैं, और आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं, यूज़ करना कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसे यूज़ करना और किस तरह से इंस्टॉल करना मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और जीमेल आईडी से साइन अप ज़रूर कर लेना इस वाले एक्सटेंशन में, ठीक है। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, थैंक यू सो मच।